नाना करते नाजरीन, आखिरकार वो जुमा आ ही गया जिसका मुस्लिम लीग नून कब से इंतज़ार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट आकिब हसन, नई लहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। नाजरीन, कल जुम्मे को उस वक्त का, उस फैसले का आना जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। नून लीग इस बात को लेकर बड़ी खुश है और इस चीज़ का उन्होंने बहुत ज़्यादा राय का इजहार भी किया है कि इमरान खान नाअहल और चोर साबित हुए हैं, जबकि पीटीआई का मौका डेफिनेटली इसके बरक्स है। अच्छा, सबसे पहले हम अपने इस गुफ्तगू को सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कल जब ये जुम्मे को शाम कोई लगभग 4-5 बजे के करीब खबर आई तो पाकिस्तान में इस खबर का क्या रिएक्शन था। मैं खुद बजाते हम लाहौर का रहने वाला हूँ, तो मुख्तलिफ हिस्सों में से जो हमारे पास खबरें आईं या जिस चीज़ का हमें पता लगा वो ये था कि बहुत ही चंद महदूद तादाद में लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जो कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था लीडर लाइक इमरान खान, जिनके आजकल देख रहे हैं आप पॉलिटिक्स इतनी हाई लेवल पर जा रही है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा उनके जलसों में आ रहे हैं। एक उन्होंने अपनी एक पीटीआई ने हाइप बनाई हुई है, लेकिन कल का एहतजाज पीटीआई की पिछली परफॉर्मेंस से बिल्कुल बरक्स था। मतलब आप मिसाल ले रहे, लाहौर में चंद मुकामात थे, ठोकर था, उसमें 10-12 लोग थे, उन्होंने कोई 2-4 मिनट के लिए ट्रैफिक को ब्लॉक किया, आग शाग जलाई, मामला ख़त्म हो गया। लिबर्टी में काफ़ी लोग थे, उन्होंने जो क्या कहते हैं, लग रहा था कि इमरान खान जिस तरह खिताब का उन्होंने ऐलान किया था कि ये आहिस्ता आहिस्ता मैस बिल्ड होगा और ये पूरे पाकिस्तान में एहतजाज फैलेगा, लेकिन लिबर्टी में भी आप देखें सिर्फ 4 गाड़ियों ने, थोड़े से लोगों ने सड़क को ब्लॉक किया और नॉर्मल सा एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। फैज़ाबाद में थोड़ी बहुत शेलिंग हुई, इस्लामाबाद पुलिस के साथ हाथापाई हुई, वो भी क्या कहते हैं, एक एमपीए के गार्ड की फायरिंग से वो मामला थोड़ा सा ख़राब हुआ। देखा जाए पूरे पाकिस्तान में एज सच कोई ख़ास किस्म का एहतजाज नहीं हुआ पीटीआई की परफॉर्मेंस को देखते हुए। अब आपको जो खबरें पता लग रही हैं, जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई, जो लोग समझ रहे थे या हुकूमत भी इनसे बात करने से या पंगा लेने से डर रही थी, क्योंकि इनके पास पब्लिक प्रेशर के लिए बहुत लोग हैं, पब्लिक प्रेशर ये बहुत आसानी से बिल्ड कर लेते हैं। अब जो कल नाजरीन खबरें आ रही हैं कि इजलास हुआ था बनीगाला में, जिसमें इमरान खान ने अपने लोगों को बड़ा हौसला दिया, घबराए नहीं, जितना वो कहते हैं घबराना नहीं है, हम क्या कहते हैं कल जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फैसला रिवर्स हो जाएगा और मामला ठीक हो जाएंगे। वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि शेख रशीद साहब ने बड़ा शदीद गुस्से का इजहार किया, उन्होंने इमरान खान से इस बात का इजहार किया। मैं आपको आमने सामने भी बता चुका हूँ, आपको अलग से भी समझा चुका हूँ कि पीडीएम आपके साथ गेम कर रही है, आपको भी तोशाखाना में नाअहल करवाया है, कल को जब आप इससे निकलेंगे तब वो आपको क्या कहते हैं फॉरेन फंडिंग में नाअहल करवा देंगे, जब आप फॉरेन फंडिंग से निकलेंगे तब तक आपका बयानिया वैसे ही ख़त्म हो चुका होगा, तो आपको एहतजाज की कॉल देनी चाहिए। और कई पार्टी के एमएनए हैं, वो भी इस बात पे इमरान खान को फोकस कर रहे हैं कि आपको एहतजाज की कॉल देनी चाहिए, लेकिन इमरान खान अभी बदजिद हैं, वो अभी देखना चाह रहे हैं कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा। वो भी तकरीरें तो कर रहे हैं लेकिन वो बैक एंड पे निगोसिएशन भी कर रहे हैं, वो हमें लगता है एस्टेब्लिशमेंट का वेट कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की जो नवंबर में तब्दीली है वो उसको उन्होंने कोई टारगेट किया हुआ है, लेकिन जो उनके सीरियस पार्टी के लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो भी इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि हमारा जो ग्रिप है पॉलिटिक्स पे वो कम होती जा रही है। उसकी दो वजूहात भी हैं, पहली वजूहत के ना आप माने या ना माने, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं आप पाकिस्तान को फैटफ से निकाल दिया, उसमें हमारे बड़े लोग हैं जो क्या कहते हैं इसका सारा क्रेडिट पीटीआई वाले भी बिलावल को दे रहे हैं कि जी वो बिलावल ने निगोशिएट किया या इमरान खान ने काम किया हुआ था, शहबाज शरीफ वगैरह का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये क्रेडिट उनके पास आ गए हैं। डॉलर आपका क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो रहा है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, और सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब का भी पाकिस्तान में आने का चांस बन रहा है। अगर ये सिनारियो सारा एस्टेब्लिशमेंट और इनका पीडीएम का चलता रहा तो इमरान खान किधर जाएंगे?
इमरान खान के लिए सोचने का इस टाइम उनकी जो सीनियर क्यादत है वो दबे छुपे अल्फाज में बैठकों में ये बात कर भी रही है। कल उन्होंने जब रवायती इजलास हुआ, रवायती इजलास के बाद उन्होंने कहा हम पंजाब असम्बली का क्या कहते हैं पंजाब असम्बली को तोड़ने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया, केपी के असम्बली का इख्तियार तोड़ने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया। उससे पहले मेरे ख्याल से ये जो क्या कहते हैं असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार था ये जो क्या कहते हैं मोदी के पास था या बाइडन के पास था। मतलब इतना ज़्यादा आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, पहले भी इख्तियार इमरान खान के पास था, तो इन्होंने इजलास में कौन सी नई साइंस दी है, सिर्फ ब्लफ कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने अपील दायर कर दी है मंडे को, आज उन्होंने सैटरडे को अपील की थी, हाईकोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा जी हम मंडे को देखेंगे। अगर इमरान खान साहब की ये अपील खारिज होगी तो वो फिलहाल नाअहल है, और ये गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा टाइम आ गया, क्योंकि पीटीआई कभी भी नहीं चाहेगी इमरान खान नाअहल हो और वो गवर्नमेंट करें या गवर्नमेंट पे इलेक्शन के लिए प्रेशर डाले सवाई शाह महमूद के। तो इस टाइम ये अजीब सा पाकिस्तान का माहौल बना हुआ है, पॉलिटिक्स अपने अरूज पे है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी शहबाज शरीफ ने, जरदारी ने, मौलाना ने इमरान खान को ऐसा इलेक्शन के जाल में फंसाया हुआ है कि वो उसे निकल के आगे का सोच ही नहीं पा रहे। ये बात नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ कि जब ये गवर्नमेंट इमरान खान की निकल रही थी तब भी इससे ज़्यादा लिबर्टी में एहतजाज था, पूरे पाकिस्तान में इससे बड़ा एहतजाज हुआ था जब इमरान खान की गवर्नमेंट जा रही थी, लेकिन कल वैसा देखने में नहीं आया। और अगर इमरान खान जैसा लीडर अपनी पब्लिक प्रेशर या पब्लिक पावर लूज कर गया तो ये तो बैठक की पॉलिटिक्स में या जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स में जरदारी से तो नहीं मुकाबला कर सकता, और उन्होंने उसका अंदिया भी दे दिया कि हम अगले 5 साल भी मिलके चलेंगे। अगर इसी लेवल पे नवाज शरीफ वापस आ गया और इस टाइम बिलावल पूरी दुनिया को एंगेज करके अमेरिका समेत अपनी क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो इमरान खान तो पाकिस्तान पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आजकल इनका एस्टेब्लिशमेंट में भी न्यूट्रल न्यूट्रल नाम लेते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। क्योंकि आपको देखें हैसियत इमरान खान क्रिकेटर हैं, आपको लीड फ्रंट से करना पड़ता है, और जब आप फ्रंट से लीड नहीं करते आप लोगों को कहते हैं लड़ जाओ मुकाबला करो झुकना नहीं है, और आप खुद उनका नाम लेते हुए भी डरते हैं, खुद कहते हैं मिस्टर एक्स है मिस्टर वाई है। तो ये इस टाइम पाकिस्तान में मजमुआ पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट बना हुआ है, तो देखने आने वाले दिनों में क्या होता है। तो आप हमें भी बताइएगा हमारा आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए शेयर करिए, हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे भी आएंगे इस पर।